रही थी कि शहर में कुछ जगहों पे नारकोटिक्स वगैरह का कहीं कोई बेचने उचने का काम कर रहा है। इसी क्रम में हम लोग को सूचना मिली थी कि नागाविधा में एक परचून की दुकान है पप्पू कुमार यादव की, उसके द्वारा हेरोइन वगैरह सब बेचने की सूचना आ रही थी। तब हम लोगों ने अपने एक व्यक्ति को सिविल में भेजा और सिविल में भेज करके पहले उससे हम लोगों ने उससे वो पुड़िया ख़रीदा। जब ये पुड़िया ख़रीदने के बाद फिर जो उसमें जो वस्तु थी उसको हम लोगों ने अपने ड्रग डिटेक्शन किट से उसकी जांच किया। ड्रग डिटेक्शन किट से जांच करने पर ये कंफर्म हो गया कि वो जो पुड़िया में जो चीज़ है वो हेरोइन है। तब उसके बाद हम लोगों ने विधिवत एक टीम बनाया और टीम बना करके मैं थाना प्रभारी था उनके अंजनी कुमार जी और यहाँ के शिशुपाल कुमार और अन्य पदाधिकारी और फोर्स के साथ में छापेमारी की गई और वहाँ विधिवत जो प्रक्रिया है उसको अपना करके वहाँ छापेमारी की गई। उसके बाद उसके दुकान से पप्पू कुमार के कई पुड़ियों में हेरोइन मिला जिसका कुल वजन 9.5 ग्राम, जो मोटा मोटी लगभग 10 ग्राम होता है, वो मिला। उसके अलावा हेरोइन वगैरह बेच करके उसके पास में जो रुपये रखे गए थे टोटल 12,750 रुपया भी मिला और उनको उस ऑफेंस में गिरफ्तार भी किया गया है। सर, हेरोइन की कीमत क्या होगा? हेरोइन की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में तो काफ़ी ज़्यादा है। इसमें 10 ग्राम हीरोइन की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में मेरे ख्याल से लाखों की होगी है और अप्रोक्सीमेटली कीमत अभी, और इसकी हम लोग आगे भी तहकीकात कर रहे हैं। कुछ ऐसी भी सूचना है कि कुछ अन्य जगहों पर भी ये बेचा जा रहा है, तो अभी हम लोगों की निगाह में वो लोग भी हैं, उसकी भी जांच करके उन लोगों के विरुद्ध भी हमारी कार्रवाई जारी रहेगी। आगे भी इसमें गिरफ्तारी होगी और बरामदगी होगी।